हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो में हम इफ एल्स इफ एल्स के बारे में बात करेंगे और उसको लैडर इफ एल्स भी बोलते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो मैं जनरल यहाँ टर्बो सी की स्क्रीन है वो ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेरा जो प्रोग्राम है ये मुझे सेव करना है, तो इसके लिए मैं पहले मेरी डायरेक्टरी को माउंट कर देता हूँ दोस्त सेल में जाके, क्योंकि मुझे डी ड्राइव में मेरा प्रोग्राम सेव करना है। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ माइसी नाम के फोल्डर में और उसका जो नेम है वो दे देता हूँ इफ एल्स इफ एल्स डॉट सी। तो ये मैंने नाम उसका दे दिया। तो पहले इफ एल्स इफ एल्स के सिंटेक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए जनरली आपको इफ एल्स की जो सिंटेक्स है वो भी मालूम है, सिंपल इफ की जो सिंटेक्स है वो भी मालूम है। तो उसे पहले आपको इफ लिखना है, इफ के बाद आपको अगर आपके पास इधर कंडीशन है और आप चाहते हो कि आप अगर ये कंडीशन जो है ठीक है वो फॉल्स पड़े तो आपको कुछ दूसरी कोई और कंडीशन चेक करवानी हो तब आपको else if का यूज करना है। तो उसके बाद आपको सिर्फ लिखना है else और उसके बाद if लिखना है, फिर आप यहाँ दूसरी कंडीशन यूज करते रहो। उसके बाद आप एक और if else else if लगा सकते हो, मीन्स कि अप टू एन आप else if लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में else हम लगा देते हैं। ये जो लाइन मैंने लिखी है वो सिंटेक्स में नहीं आती, पर आप लोगों की समझ के लिए मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी मुझे जो समझाना है वो इस लाइन के जरिए भी थोड़ा बहुत समझाना है। ठीक है, तो ये जनरल सिंटेक्स हुई। इसमें क्या करना है, पहले तो आपको इफ स्टार्ट करना है, उसके बाद अगर ये कंडीशन है वो फॉल्स पड़ती है तो आपको क्या करना है कुछ दूसरी कोई और कंडीशन है वो चेक करवानी है। ठीक है, मैं एक जनरल आपको डेफिनेशन देता हूँ कि आपके पास दो नंबर अवेलेबल है, नंबर वन एंड नंबर टू। तो आपको चेक करवाना है कि नंबर वन है वो नंबर टू से ग्रेटर देन है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन को यहाँ लगा देंगे तो वो ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और दूसरा ये भी चेक करवाना है कि नंबर टू है वो नंबर वन से ग्रेटर देन है या नहीं। और तीसरा है चेक करवाना है कि बोथ नंबर आर सेम और नॉट, मीन्स के आपको ऐसा करने के लिए दो कंडीशन का यूज करना जरूरी है। तो इसलिए आपको इफ एल्स इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस केस में कुछ इस तरह से इफ एल्स इफ यूज कर सकते हो। अब अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एग्जीक्यूट किस तरह से होता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इफ लिखना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया तो ए ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो प्रोग्राम कंपाइलर का जो कर्सर होगा वो डायरेक्टली एल्स का जो एक ब्रैकेट लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस वो पूर्ण होने के बाद इधर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो लिखे होंगे आपने प्रिंट एफ गेट सी एल्स वो डायरेक्टली वहां मूव ऑन करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जो ब्लॉक ऑफ एल्स इफ एल्स इफ और एल्स है इन पार्ट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स इफ ये दूसरा एल्स इफ और एल्स इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको इफ एल्स को फिनिश करके नीचे जो आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वहां चला जाएगा आपका कर्सर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फॉल्स होने के बाद इफ का जो यहाँ कर्ली ब्रेसिस पूर्ण होता होगा वहां जाएगा, उसके बाद जो लिखी है लाइन वो एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेगा तो उधर उसे एल्स इफ मिलेगा। और जैसे ही उसे else if मिलेगा तो कंपाइलर समझ जाएगा कि यूजर ने यहाँ कोई दूसरी कंडीशन लगाई हुई है।
वो एक कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सही हुई मींस के ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद ये एल्स इफ और एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका कर्सर डायरेक्टली ब्लॉक ऑफ कोड आफ्टर इफ एल्स में आ जाएगा, मीन्स गेट सीएस लगाए तो उधर आ जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होता होता उधर आ जाएगा, ठीक है, एक अगर ट्रू हुआ तो। अगर आपकी ए बी कंडीशन है वो फॉल्स हुई मीन्स कि इसने जीरो रिटर्न किया, तो ये एक बार फिर से ये जो इधर कर्ली ब्रेसेस एल्स इफ के पूर्ण होते हैं उसके नीचे की लाइन में कर्सर आएगा और उसे फिर से कंपाइलर को वहां एक नया एल्स इफ लगाए हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो कंपाइलर फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर एक कंडीशन सही हुई ठीक है तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टली ये ब्लॉक ऑफ कोड जो आफ्टर इफ एल्स के बाद आपने गेट सीएस लगाया, प्रिंटेड लगाया, जो कुछ भी आपने लगाया उधर आ जाएगा, ठीक है, अगर ये सही हुई तो, ठीक है, तो ये जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये फॉल्स हुई कंडीशन तो क्या होगा, वो डायरेक्टली नीचे इधर आएगा, तब तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, अगर एल्स के ऊपर लिखी गई जितनी भी कंडीशन है मीन्स हमारे केस में कितनी कंडीशन मैंने लगाई है, 1 2 3, ये तीनों कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली जो एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला ही है। अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन एक भी सही हो गई तो एल्स वाला पार्ट, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इससे नीचे का पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके नीचे का पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके नीचे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये चार ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये जो नीचे वाला एल्स है वो कंपलसरी एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है, तो ये बात हो गई सिंटैक्स की, तब तो अब मैं इसे कमेंट कर देता हूं। अब बात करते हैं लाइव एग्जांपल की, तो पहले इंक्लूड कर देता हूं डायरेक्टरी एडर फाइल, सॉरी, ये एडर फाइल के बारे में आपको पता है इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। अब मुझे करना क्या है, मुझे चेक करवाना है कि नंबर वन है ग्रेटर देन है या नंबर टू वो है ग्रेटर देन या बोथ नंबर है सेम, तो नंबर वन ले लेता हूँ उसके इक्वल टू 10 डाल देता हूँ उसमें, नंबर टू ले लेता हूँ उसके अंदर 20 डाल देता हूँ और सेमी कॉलन, अब सीएलआर एससीआर का यूज कर लेता हूँ। ये सब क्या है अब आपको ऑलरेडी पता ही है तो मुझे अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे चेक करवाना है कि ये जो नंबर वन है वो नंबर टू से ग्रेटर देन है या नहीं, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ऐसी चेक करवानी है कि ये नंबर टू है वो नंबर वन से ग्रेटर देन है या नहीं, अगर ये दोनों इक्वल्स है तो मुझे मैसेज देना है कि बोथ नंबर आर सेम, एक कंडीशन में इधर लिखवा देता हूँ इफ नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, एक दूसरी कंडीशन अब लगा देता हूँ, दूसरी कंडीशन के लिए एलसीपी यूज करना है क्योंकि नंबर वन और एल्स लगा देता हूं, अगर नंबर वन है वो भी ग्रेटर देन नहीं है नंबर टू के और नंबर टू है वो ग्रेटर देन नहीं है नंबर वन से, तो अब क्या है बोथ नंबर सेम होंगे, तो वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ। बोथ नंबर्स आर सेम, उसके बाद गेट सीएस लगा देता है। आपको अब ऐसा लगता होगा कि मैंने इधर कर्ली ब्रेसेस का यूज क्यों नहीं किया, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जब इफ स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया था तब, कि अगर आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है किसी भी स्टेटमेंट का यूज करते हो और आपका ब्लॉक ऑफ कोड एक लाइन का है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लो हमारे स्टेटमेंट में तीनों के ब्लॉक एक एक लाइन में आ जाते हैं, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, ठीक है,
तो इसका अब आउटपुट क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली नंबर 1 इक्वल टू 10 असाइन हो जाएंगे, नंबर 2 इक्वल टू 20 असाइन हो जाएंगे, फिर हमारी स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इफ स्टेटमेंट पे आएगा, उसमें क्या होगा, नंबर 1 तो नंबर 1 की वैल्यू है 10, नंबर 2 ग्रेटर देन के साइन, नंबर 2 की वैल्यू है 20। तो ये कंडीशन चेक करेगा, जब भी हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया हो तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है उसकी वैल्यू 10 है और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 20 है, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स फॉल्स, क्योंकि वो कम है इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स रिटर्न किया, तो अब ये जो फॉल्स रिटर्न किया तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ट्रू यहाँ रिटर्न किया होता तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता। अब ये फॉल्स रिटर्न किया इसलिए वो नीचे आएगा एल्स इफ पर, तो ये फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, उसमें क्या चेक करेगा, नंबर 2, नंबर 2 की वैल्यू है 20 ग्रेटर देन की साइन, नंबर 1 की वैल्यू है 10। तो फिर से ये चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड 10 से ज्यादा है, यस लेफ्ट हैंड ऑपरेंड 20 है राइट हैंड ऑपरेंड 10 है, मींस के लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू मींस 1। तो इसने अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो डायरेक्टली क्या होगा, आपका आउटपुट में दिखेगा ना, प्रिंट होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो एल्स इफ का है वो एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट मिलेगा नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपका जो कर्सर है वो डायरेक्टली गेट सी एच पे आ जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई फिर इफ एल्स इफ एल्स पर किसी भी कोड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं, इसलिए डायरेक्टली आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, एल्स इफ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। तो अब मैं वैल्यू इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज नहीं, इस नंबर 1 को 100 कर देता हूँ। तो फिर से हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, नंबर 1 की वैल्यू क्या है 100, देन ग्रेटर देन साइन, नंबर 2 की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। अब ये 20 है तो अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है, जब भी ग्रेटर देन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमारे केस में 100 है वो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है और 20 है वो राइट हैंड ऑपरेंड है, मींस कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू मींस 1। अगर इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपको आउटपुट में मिलेगा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 और इसके बाद आपका कर्सर डायरेक्टली गेट सीएस पर आ जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन एक सही हो गई तो उसके नीचे लिखी गई कोई भी कंडीशन हो एल्स इफ के जरिए वो एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको आउटपुट मिलेगा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो मिल रहा है, तो इस तरह से। तो अब दोनों की जो वैल्यू है वो मैं सेम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसे मैं एग्जीक्यूट नहीं करता, अभी आपको मैं समझाता हूँ पहले, बाद में एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हमें मैसेज क्या आना चाहिए, बोथ नंबर्स आर सेम, ठीक है। नंबर 1 की वैल्यू है 20 देन ग्रेटर देन साइन, नंबर 2 की वैल्यू 20, जब भी हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया हो तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होनी चाहिए, पर हमारे केस में दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या है सेम है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर इस इफ कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो वो नीचे लिखा गया एल्स इफ होता है उसकी कंडीशन चेक करने को जाएगा, तो उसमें क्या है, नंबर 2 की वैल्यू है 20, नंबर 1 की वैल्यू क्या है वो भी है 20, तब इधर भी क्या हुआ, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम है इसलिए ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज इस तरह से होता है, अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन हमारे केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है इसलिए वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर फॉल्स रिटर्न किया तो वो डायरेक्टली उसके नीचे लिखेगी कोई भी कंडीशन हो एल्स पार्ट हो वो एग्जीक्यूट करने को जाएगा, कंपाइल का कर्सर इधर आएगा तो इधर उसे मालूम पड़ेगा ये तो सिर्फ एल्स लिखा हुआ है। तो एल्स का मतलब कुछ ऐसा होता है कि एल्स के ऊपर जितनी भी कंडीशनें लगाई गई हो, मीन्स कि 1 और 2 लगाई हमें, वो अगर वो सारी कंडीशनें फॉल्स पड़ती है तो एल्स में लिखा हुआ कोड बाय डिफॉल्ट प्रिंट होने वाला है। तो आपको मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन पर बोथ नंबर्स आर सेम, देख लीजिए बोथ नंबर्स आर सेम। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मैं इफ एल्स से भी कर सकता हूँ, तो मैं आपको वो डिफरेंस भी बताता हूँ। इधर मैंने नंबर इक्वल टू 100 कर दिया है, ठीक है, और इधर से इफ एल्स से कर सकता, ये एल्स में हटा देता हूँ, ठीक है।
तो अब ये किस तरह से चेक होगा ये कंडीशन, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर वन इधर मैं कमेंट कर देता हूं, नंबर वन की वैल्यू है 100, देन ग्रेटर देन साइन, देन नंबर टू की वैल्यू क्या है, नंबर टू की वैल्यू है 20। तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू रिटर्न किया मींस कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी एग्जीक्यूट होगा तो आपको ब्लैंक स्क्रीन में, मींस के ब्लैक स्क्रीन में आपको बताई देगा नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। तो उसके बाद आपने इफ दूसरा लगाया है तो वो उसमें जाएगा, उसमें क्या चेक करेगा, तो मैं हटा देता हूं। नंबर टू की वैल्यू है 20 और नंबर वन की वैल्यू है 100, तो इस केस में क्या होगा, नंबर टू 20 है, तो नंबर टू में 20 है और राइट हैंड ऑपरेंड 100 है, मींस कि फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए वो जो एल्स वाला पार्ट है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बोथ नंबर हर सेम। तो आपको दो आउटपुट मिलेंगे, एक तो ए मिलेगा, लेकिन हमें इफ एल्स इफ का फायदा क्या होता है, कोई अगर एक कंडीशन सच हो गई मींस के ट्रू हो गई तो दूसरा कोई चेक करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको यार इधर दो आउटपुट मिलेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन नंबर टू, बोथ नंबर्स आर सेम। लेकिन हमें ऐसा आउटपुट नहीं लाना है, इसलिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं। वो भी आप कहीं कंडीशन लगा ए, दूसरी इसका दूसरा भी तरीका है चेक करवाने का, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है और आप एग्जाम्पल ए एग्जाम में भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।